हेलो प्यारे बच्चों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे हिंदी खुलते पंख का पार्ट छ मेरे दोस्त बनोगे आपने अपने आसपास बहुत से पक्षी देखे होंगे और हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है क्या आपने कभी पक्षियों से दोस्ती की है और अगर की है तो आपकी दोस्ती कैसे हुई इसी तरह से यह एक कहानी है आशीष की जो एक पक्षी से दोस्ती करता है सावन का महीना था आशीष बड़े भैया के साथ नेहा दीदी के घर गया अजमेर में दीदी का बहुत बड़ा घर है घर के आंगन में नीम का बड़ा सा पेड़ भी है शाम का समय था आकाश में काले काले मेघ छाए थे मेघानी काले बादल छाए थे आशीष आंगन में बैठा दीदी से बातें कर रहा था तभी एक मोर मोर मोर, मोर, पेड़ से नीचे उतर आया। मूर, मूर, देखो दीदी कहते हुए आशीष उसकी तरफ भागा नेहा ने उसे रोका रुको आशु, रुको रुक जाओ वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा कितना सुंदर है मोर दीदी मैं इसे पकड़ूंगा आशीष बोला मोर को पकड़ना आसान नहीं है यह हमेशा चौकन्ना रहता है हाँ चाहो तो इसे अपना दोस्त जरूर बना सकते हो नेहा ने कहा दोस्त वह कैसे आशीष ने आश्चर्य से पूछा रुको अभी बताती हूँ कहकर नेहा भीतर चली गई और एक कटोरी में दाल के दाने ले आई उसने दाने आंगन में बिखेर दिए और आशीष को लेकर ओट में खड़ी हो गई ओट में यानी किसी भी चीज की आड़ में छुपकर वो लोग खड़े हो गए मोर दाने चुगने लगा नेहा ने बताया आशु, यदि मोर को प्रतिदिन अनाज या दाल के दाने खिलाओगे तो ये पालतू जैसे हो जाते हैं, क्या -क्या हैं। आशीष ने पूछा इन्हें बीज मूंगफली बेर बरगद और पीपल के फल बहुत अच्छे लगते हैं नेहा बोली दीदी -दी, मैं तो सुना है मैंने तो सुना है कि मोर सांप से नहीं डरते और उन्हें भी खा लेते हैं आशीष ने कहा ठीक सुना है तुमने। जहां मोर होते हैं, वहां सांप के अलावा कन खजूरे बिच्छू टिड्डिया और अन्य विशेले कीड़े मकोड़े भी लगभग खत्म हो जाते हैं विशेले यानी जहरीले नेहा ने बताया तभी बादल गरजने लगे मोर नाचने लगा उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए आशीष खुशी से उछल पड़ा अद्भुत दृश्य था अद्भुत यानी ऐसा दृश्य जो कभी ना देखा गया हो उसने इससे पहले मोर को नाचते कभी नहीं देखा था दीदी इसकी पूछ देखो कैसा चमकदार गहरा हरा रंग है पंखों में तो लगता है कि ढेर सारी तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं इनके बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है आशीष प्रसन्नता और जोश में बोले जा रहा था प्रसन्नता और यानी कि जोश में नेहा बोली तुमने इसकी गर्दन देखी गहरे नीले रंग की है और पेट बिल्कुल बादामी रंग का हाँ और देखो नाश्ते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है आशीष ने कहा नेहा हंसकर बोली भाई जब ये इतना अच्छा नाश्ता है तो थोड़ा घमंड तो होगा ही आशीष भी हंस पड़ा और बोला लेकिन इसके पैर एकदम सफेद हैं जरा भी सुंदर नहीं है तो क्या हुआ है तो बड़ी ताकतवर इसके पंख भी बड़े मजबूत होते हैं तभी तो आवश्यकता पड़ने पर यह तेज दौड़ सकता है और उड़ भी सकता है जब यह किसी शिकारी जानवर को देख लेता है तो झट से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है और केउं केउं करके सबको सावधान कर देता है इसके माथे की कलगी भी कितनी सुंदर है तुम इसे मोर का मुकुट कह सकते हो नेहा ने बताया आशीष बोला दीदी मैंने पढ़ा है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है कृष्ण जी भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे मुझे भी अपने पुस्तक में मोर का पंख रखना है आप इससे पूछो कि क्या ये मेरा दोस्त बनेगा इतना कहकर आशीष मोर की तरफ पढ़ा मोर छठ से उड़कर मुंडेर पर बैठ गया और नाचने लगा मुंडेर जो छत पे दीवार बनी होती है उसे कहा जाता है तभी मोर का एक पंख उड़कर नीचे आ गिरा नेहा आशीष के कंधे पर हाथ रखकर बोली लो आशु मोर ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली है और दोस्ती की निशानी के रूप में ये पंख भी दे दिया है सच दीदी आशु ने आशु ने जल्दी से पंख उठा लिया बूंदे पड़ने लगी थी धन्यवाद दोस्त कहकर आशु भीतर चला गया तो इस तरह से इस पाठ का यहाँ पे अंत होता है अब हम इसके शब्दार्थ और मुहावरे पढ़ लेते हैं मेघ यानी बादल चौकन्ना यानी कि सावधान रहना ओट आड़ प्रतिदिन रोज रोज विशैला यानी कि जहरीला अद्भुत यानी अनूठा या विचित्र कलगी जो मोर के सिर पे चोटी होती है उसे कलगी कहा जाता है स्वीकार यानी मान लेना धन्यवाद